हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा, एक होम्योपैथी फिजिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एल्डोमाइन, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक सिरप है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो इसको ले सकते हैं। तो आप, मैं आपको बताती हूँ ये कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन के कंपोजिशन से तैयार किया जाता है और क्या बेनिफिशियल होते हैं इसके, तो ये आज मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आओ बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, कौन कौन से होम्योपैथिक के कंपोजिशन से ये तैयार किया जाता है। नंबर फर्स्ट है रायोवोल्फिया का मदर टिंचर, नंबर दो क्रेटेगस का मदर टिंचर, नंबर थर्ड इस्ट्रोफोन्टस का मदर टिंचर, नंबर फोर पाइसीफ्लोरा का मदर टिंचर, चिनकोनिया का मदर टिंचर, कैक्टस का मदर टिंचर, विस्कम एल्बम का मदर टिंचर एंड फ्लोरॉक्स का मदर टिंचर। ये सारे मदर टिंचर के कंपोजिशन से इसको तैयार किया जाता है और मदर टिंचर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसमें जो मदर टिंचर है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए, हर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो जिन लोगों को हाई बीपी की बहुत लंबे समय से शिकायत चल रही है या उनको हाई बीपी की शिकायत है या प्रॉब्लम है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि रक्त वाहिनियों में होने वाले रुकावट संचारण को ये मेंटेन करके रखता है। बात करते हैं इसकी डोजेस की, तो 1 टेबल स्पून इसकी सुबह शाम दोपहर पानी में मिलाकर लेना है, खाना खाने से या तो 15-20 मिनट पहले या बाद में। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है, तो आप इसको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यदि आपको बीपी की शिकायत है तो ही इसको लें, अदरवाइज ना लें। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सेहत से जुड़ी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख के पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी सटीक मेडिसिन बताऊंगी। और बुआ होम्योपैथिक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो सो प्लीज़ अपनी डिजीज़ को होम्योपैथिक से ही ठीक करें। थैंक यू सो मच।